एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं आ गई हूँ अपने मायके में और मायके में आप देख ही सकते हो कितने बड़े बड़े बॉक्सेस आए हुए हैं, सामान आया हुआ है भर भर के। तो अभी इन्हें हम ओपन करेंगे आप लोगों के साथ ही। तो आप लोग एक्साइटेड हो ना देखने के लिए क्या क्या सामान आया है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और दिया भी बहुत खुश है। आप देख ही सकते हो उसकी खुशी किस तरीके से है, कभी ऊपर चढ़ रही है, कभी नीचे चढ़ रही है, कभी डांस कर रही है, कभी कुछ कर रही है। और सारा सामान जो है मेरा भाई ओपन करेगा, मैं वीडियो बना लेती हूँ, मैंने ये सोचा। तो पहला बॉक्स जो है ओपन होने जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब कोई सामान आता है ना, पता होता है कि हमने क्या मंगवाया है, फिर भी देखने की जो होती है ना एक्साइटमेंट, वो तो बस पूछो मत, अलग ही फीलिंग होती है। तो पहला बॉक्स खुल गया है और खुलते ही इतने सारे ये कागज़ जो निकलते हैं ना, इन पे बड़ी हंसी आती है। और सामान थोड़ा सा होता है और इतने सारे कागज़ लगा देते हैं सेफ्टी के लिए ना, ताकि डब्बा जैसे अभी दिया ने उल्टा कर दिया था तो कोई नुकसान ना हो, चीज़ें टकरा के टूट ना जाए, चटक ना जाए, इसी वजह से लगाते हैं, हमारा सामान हमारे पास सेफ तरीके से पहुँच जाए। और दूसरा बॉक्स खुल रहा है अभी और दिया पहुँच गई है अपनी नानी की गोद में। नानी से करवाना है उसको खूब सारा प्यार, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी और आज नानी को उसने आते ही जो है प्यार जो करती है वो नहीं किया था। तो दूसरा बॉक्स यहाँ पर ओपन होने ही जा रहा है, ये देखो। और इसमें देखो क्या निकलता है, मेरे को सारा सामान पता है कि क्या क्या है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है मेरे को। इसमें भी देखो खूब सारे कागज़ हैं, दिया भी बड़े खुश होकर निकाल रही है ये कागज़ को। और इसमें मेरे को दिख गया है कि क्या है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये देखो, फेंटा, कोका कोला, थम्स अप, स्लाइस, माजा, ये सब मैंने जो है मम्मी के कहने पे ऑर्डर कर दी थी। ये सारा सामान मम्मी ने ही मंगवाया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये देखो बिस्किट है, पास्ता है, और दियो पास्ता देख के बहुत खुश हो गई थी। ये वाला पास्ता ना उसका फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है उसको, चीज़ी पास्ता ना मैं घर में बनाती हूँ बट इतना अच्छा नहीं बनता जितना ये मैगी वाला अच्छा बनता है। और ये कुछ मसाले हैं, जैसे हल्दी हो गया, छोले मसाला हो गया, जीरा पाउडर हो गया, ये सारे मसाले हैं, नमक है ना। तो ये ज़रूरत का सामान ही जो है मम्मी ने मंगवा रखा है। आजकल अमेज़ोन से ही मंगा रहे हैं हम, अमेज़ोन पेंट्री से, काफ़ी सारे ऑफ़र चलते रहते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है। और ये नमकीन है, बॉम्बे मिक्स, गुजराती मिक्स, आलू भुजे, ये तो मैंने खुद के लिए मंगवाई थी। और काजू वगैरह है, वो शायद नेक्स्ट बॉक्स में है, अभी आगे देखते हैं। और ये लाल मिर्च, तीसरा बॉक्स भी खुल रहा है, तीसरे बॉक्स में भी आपको इसी तरीके का कुछ ना कुछ सामान देखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से घर में सामान आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप में से किस किस को अच्छा लगता है बताइएगा मुझको, सभी को अच्छा लगता होगा क्योंकि सामान आता है तो खुशी तो होती है। इसमें भी एक कोल्ड ड्रिंक है और साथ ही साथ नमकीन है, ये चिली चटाका, ये भी मैंने मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मेरे को बिकानो की अच्छी लगती है, हल्दीराम से अच्छा बिकानो का टेस्ट है चिली चटाका का, लेकिन ये ही मुझे मिली अमेज़ोन पे तो मैंने ये मंगा ली। नीचे रस का पैकेट है, एक हाइड एंड सिक का बिस्किट है दिया के लिए, और इसके नीचे ही थे काजू, मुझे याद आ गया इसके नीचे ही थे काजू। और ये इलायची वाले रस है, ट्राई करके देखेंगे कि कैसे हैं। ये देखो दो काजू के पैकेट मंगाए हैं मैंने। और इस तरफ जो है ये पंजाबी छोले मसाला है, वो शायद कश्मीरी लाल मिर्च थी, और ये लौंग सेव है, और ये है गाठिया, ये मेरे को ट्राई करना था कैसा होता है तो ये भी मंगा लिया। चाय पत्ती है, और नीचे जो है एक दाल का पैकेट है, मूंग की दाल 1 किलो धुली हुई, और ये आटा है 5 किलो, ये मैंने अपने लिए मंगाया आटा। और ये जीरा है, और नीचे जो है जो अभी रखा था वो है जीरा पाउडर। ये इतना सामान जो है मंगाया है, एक बॉक्स और था जिसमें ये था सिर्फ और सिर्फ आटा था, और दूसरे बॉक्स में राजमा था, बेसन था, चने की दाल थी, और साथ ही साथ जो है मैगी का पैकेट था जो कि दिया ना छोड़ ही नहीं रही है, उसको लगता है ये मैगी का पैकेट उसी का है, लेकिन वो मैगी का पैकेट आधा आधा बांट लेंगे हम सब लोग मिलके ना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो जो मेरा सामान है वो सारा मैं छोटे बॉक्सेस में कर लूँगी। तो मैं कोल्ड ड्रिंक देख रही थी मैं कौन सी लूँ, तो फिर मैंने कहा ये छोटी लेती हूँ, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, और वो सारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, 2-2 लीटर की हैं, तो इतना मेरे घर में चलता नहीं है। आपको पता ही है ना कि अगर खोल लो उसको 2-3 दिन में ख़त्म कर लो तो सही रहता है, वरना गैस ख़त्म हो जाती है ना, गैस निकल जाती है तो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने छोटी वाली ही ली है, दिया की वजह से ले ली, वो भी माता ना उसको पसंद है, कभी कभी तो दे देनी चाहिए। और दूसरे बॉक्स में देख रही हूँ जो मेरी नमकीन है, बिस्किट है, वो सब मैं निकाल लूँगी, काजू निकाल लूँगी, काजू भी मैं लेके जाऊँगी एक पैकेट ना। और ये 5 किलो का मेरा वाला आटा है और 10 किलो का मम्मी का है वो,
मम्मी गेहूँ भी पिसवाती है, थोड़ा सा ये मिक्स कर लेती है, थोड़ा सा वो मिक्स कर लेती है, तो सही रहता है। और ये गाठियाँ मैंने बोला था ट्राई करूँगी, तो ये भी मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मेरा सामान हो चुका है पैक और यहाँ पर मम्मी काट रही हैं सब्जी। शाम हो चुकी है और आज खाने में मम्मी बनाएंगी आलू और गवार की फली की सब्जी। किस किस को पसंद है बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये वाली सब्जी, मेरे को अच्छी ही नहीं लगती, मैंने कभी खा के ही नहीं देखी होगी ये। कभी जैसे बन जाती थी ना शादी से पहले, तो आलू आलू चुन के खा लेती थी मम्मी, इस वजह से इस वाली सब्ज़ी में आलू ज़्यादा डालती थी। और आलू आलू बैंगन भी नहीं पसंद, उसमें भी आलू ज़्यादा डालती थी, आलू निकाल निकाल के बिल्कुल क्लीन करके खा लेती थी मैं। और शेंग की चाय पी रहा है और बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह कुछ लेने गया है वो, और लड़ाई देख रहे हैं कि मैगी तो रख दे मामा की है ये, मामा की है ये। थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू नानी, थैंक यू नानी। मामा कह रहे हैं मुझे दे दो, जब मैं खोलूंगा तो दे दूंगा, जब मैं खोलूंगा तो दे दूंगा। आके तो हम दोनों आ गए हैं घर पे। ये देखो लग गई आती फोन में, लग गई थी, बहुत गलत बात है। रखो इसे जल्दी रखो, ये अपने मामा से लड़ाई करके आई है। मैगी पूरा 12 का पैकेट उठा के लेकर आ गई, नहीं मैं ही खाऊंगी, मैं ही खाऊंगी, मैं ही खाऊंगी, और मार के आई है अपने मामा को खूब सारा। कोई करता है ऐसे, कौन करता है? बस 2 मिनट में आंसू निकलने स्टार्ट हो गए। फोन चलाना जरूरी है बहुत है? कह रही हाँ बहुत जरूरी है। ये देखो जरा, इधर आओ इधर आओ, दिखाती हूँ जरा इसका मुंह, देखो जरा 2 मिनट में ये बाल कहाँ जा रहे हैं, वो जरा चमन नहीं छाते छाते से हो गया। ये देखो जरा 2 मिनट में चेहरा देखो। क्यों चलाते हो फोन? अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है उसमें, क्या अच्छा लगता है उसमें? कार्टून में टीवी में चला देती हूँ, बड़ी स्क्रीन है, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। आपकी वजह से रिचार्ज करा रखा है मैंने, करा देती हूँ, करा देती हूँ, देख लो। मेरे बच्चों, मेरे डॉल। तो मामा से लड़ झगड़ के मैगी लेकर आई हो क्यों भाई? अब भी दिखाती हूँ, बहुत मार के आई है शैंकी को, बल्कि उसको इतना शौक नहीं है। मैं 1-2 पैकेट ही छोड़ के आती, नेहा को भी शौक नहीं है और उसको भी शौक नहीं है मैगी वगैरह खाने का। ये देखो लड़ झगड़ के लेकर आई है। मेरे को ही थोड़ा बहुत शौक था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खाती थी जब दिया नहीं हुई थी, दिया के होने के बाद बहुत कम हो गया, और अब तो और भी ज़्यादा कम हो गया है। अब इतनी नहीं खाती जितनी पहले खाती थी। सबको ना
पता था मेरे को चाउमीन और मैगी बहुत पसंद है, लेकिन धीरे धीरे शौक ना कम हो जाते हैं। चिप्स भी बहुत पसंद थे, अब नहीं खाती मैं, और जब खाती थी तब मैं पतली थी, और अब जब खाती ही नहीं हूँ तो इतनी मोटी होती जा रही हूँ। और मैं यूँ कहती हूँ कि ये ना प्रेगनेंसी के बाद का जो है मेरा वो था फैट है, लेकिन जब तक दीपक थे तब तक मैं मोटी नहीं थी, बढ़िया थी, सही थी मैं। और 2.25 साल की हो गई थी दिया, तो अगर प्रेगनेंसी का या डिलीवरी के बाद का होता तो इतने साल बाद थोड़ा ना बढ़ता एकदम से, ये कुछ और ही चीज़ है जो मेरा वजन एकदम से बढ़ता रहता। मैंने थायराइड भी कभी चेक नहीं कराया, कराऊंगी, कभी कराएंगे सब चीज़ें चेक वगैरह ना। मेरे को डर लगता है कि कहीं कोई बीमारी ना निकल जाए, बहुत डर लगता है मेरे को। मैं चाहती ही नहीं कि मैं कोई चेकअप करवाऊँ, सच्ची बता रही हूँ मैं, इस वजह से डरती हूँ बहुत कि फिर एक वो रहता है हमें ये है, हम फिर और घुलते जाते हैं टेंशनों में ना, ऐसा होता है ना किस किस के संग होता है, कोई इस डर की वजह से भी जो है अपना चेकअप नहीं करवाता। हाँ बेटा, कैसे फोटो कौन से वाले? पापा वाली, वो बेटा शादी से पहले की है हमारी, और बीच वो शादी के बाद की है। दिया बड़ी होएगी ना, वो सारे क्वेश्चन करेगी, वो पूछ रही है ये फोटो कब की है ना, पगली बच्ची है मेरी छोटी सी। और आज 20 तारीख हो गई है, कल 21 है, कल रक्षाबंधन की सारी तैयारी करनी है, राखी आने वाली है, राखी आने वाली है, बस एक ही दिन है बीच में, परसों मौसी आ जाएगी राखी के साथ, है ना, है ना। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, नहीं आती ना खुशी से हो जाती है एकदम से ना। मौसी आने वाली है दीयू की, मौसी के लिए क्या दो गिफ्ट रखोगी? मैगी गिफ्ट। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ, होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाओ, खुद भी करो और करवाओ भी, 100K करवाओ जल्दी से मेरे, ठीक है, बाय बाय।